पूरी तरह बंद रहे मोहाली अते खरड़ दे बाजार। हर पासे नजर आया सरकारी सख्ती का असर, ज्यादातर मार्केटा विच बंद रही दुकाना। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दो दिन पहला ऐलाने गए शनिवार अते ऐतवार दे मुकम्मल लॉकडाउन अते शाम दे 7 बजे तो सवेर दे 9 बजे तक दे कर्फ्यू संबंधी वरती गई सरकारी सख्ती का असर खुल के नजर आया अते शनिवार नू खरड़ अते मोहाली दे लगभग सारे बाजार बंद रहे। बंद दा है असर कुंबड़ा, सोहाणा, मटोर, शाही माजरा, मदनपुर अते पिंड मोहाली विच भी दिखिया, जिथे ज्यादातर दुकाना बंद पईआं सन। इस दौरान हलवाई, ढाबे, करियाना, दवाइयां अते होर जरूरी समान वेचण वालियां दुकानां खुल्लियां रहियां अते इक्का दुक्का मार्केटां विच हार्डवेयर दा समान वेचण वालियां अते कुछ होर दुकानां भी खुल्लियां नजर आईयां। इस दौरान उद्योगिक खेत्र विच स्थित फैक्ट्रियां अते निजी दफ्तरां नूं खोलण दी छूट दित्ती गई सी अते उद्योगिक खेत्र दे प्लांटां विच चलदियां स्टील, सरिये अते हार्डवेयर आदि दा समान वेचण वालियां दुकानां भी खुल्लियां नजर आईयां। हालांकि इस दौरान सड़कां ते आवाजाही आम वांग ही चल रही सी अते आटो रिक्शे भी पहला वांग ही चल रहे सन। मार्केटां विच सारा दिन लगण वालियां कई तरह दा समान, खाण पीण दा समान वेचण वालियां रेहड़ियां भी नदारद सन अते पुलिस वालों मार्केटां विच पेट्रोलिंग भी कीती जा रही सी। इत्थे जिक्रयोग है कि पुलिस वालों शुक्रवार शाम वेले ही सख्ती करदियां शाम 6:30 बजे दुकानां बंद करवा दित्तियां सन। इसका असर शनिवार ते भी पिया अते बाजार सारा दिन सुन्ने रहे। खरड़ विच भी पंजाब सरकार वालों लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू दे दौरान जिथे बाजारा विच लोग बहुत घट नजर आए उत्थे जरूरी समान दीआं दुकानां नूं छड्ड के बाकी हर तरह दा समान वेचण वालियां दुकानां बंद रहियां। इस दौरान खाण पीण दा समान वेचण वालियां दुकानां तां खुल्लियां सन परंतु बाजार विच रौनक घट होण कारण उहनां दा धंधा भी मंदा दिख रिहा सी। स्काई हाक टाइम्स लई मोहाली तों आरपी वालिया ते जसविंदर सिंह दे नाल खरड़ तों शमिंदर सिंह दी रिपोर्ट।